दोस्तों आज के टाइम पे अगर आप एक ओल्ड फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं। चाहे तो आप ओएलएक्स पे जाके और फ़ोन को परचेज कर सकते हैं, कैशिफाई में भी आप ओल्ड फ़ोन को ख़रीद सकते हैं या किसी कस्टमर से ख़रीद सकते हैं। तो अभी रिसेंटली दोस्तों मैं भी एक ओएलएक्स पे अपना फ़ोन को सेल कर रहा था। मैंने आईफोन कुछ दिन पहले ख़रीदा था और मेरे को बेचना था, तो मैंने यहाँ पे ओएलएक्स आप देख सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखा दूँ। तो सिंपली मैं ओएलएक्स पे अपना अकाउंट बना लिया और मेरा आप ऐड यहाँ पे देखेंगे, माई ऐड पे मैं क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने आईफोन 14 को यहाँ पे सेल पे लगा दिया है और 54,000 यहाँ पे मैंने दाम रखा है। तो इसी के दौरान दोस्तों क्या हुआ कि जब मैं यहाँ पे ओएलएक्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहा था और जब मैं यहाँ पे कुछ फ़ोन्स को चेक कर रहा था, देख रहा था कि आईफोन 14 और लोगों ने कितने कितने प्राइस में डाल रखा है, तो सडनली दोस्तों यहाँ पे मेरे सामने एक ऐसा ऐड शो होता है जहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं आज ओएलएक्स का यूज़ करके और बहुत सारे बंदे को अपना शिकार बना करके और उनसे पैसे ऐंठ रहे हैं और उनके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट और लाइव डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे आज ओएलएक्स के माध्यम से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपना ऐड डाल करके चाहे तो फ्रिज का, एसी का, कूलर का या फ़ोन का और लोगों के साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप भी ओएलएक्स से कोई भी प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं या कोई सेल करते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ। और चैनल पर दोस्तों आप नए हैं, मेक श्योर नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सो यहाँ पे दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने एक ऐड यहाँ पे देखा और ये जो ऐड था दोस्तों आप देख सकते हैं ये एसी का ऐड था और 10,000 में ये ऐड मेरे को देखने को मिला था। तो मैंने सोचा यार कौन सा एसी है जो नए कंडीशन में है और 10,000 में दे रहा है, तो सिंपली यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया और ये चित्रा गुप्ता नगर और रांची का था, तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्लिक कर दिया। अब दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो ऐड था इसके ऊपर जब मैंने स्क्रॉल किया इमेज को देखने के लिए, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, एक पेज में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले ऐड को आप यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ। माय नेम इज़ जी गोविंद कुमार एंड आई एम इंडियन एयरफोर्स इन एयरपोर्ट। आई हैव बीन ट्रांसफर इन टू अर्जेंट सेल माई हाउस होल्ड आइटम। मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने साफ साफ अपना मोबाइल नंबर भी शेयर किया है। लिखा है ऑल आइटम आर बिलो एंड ऑल आइटम 6 मंथ ओल्ड, 6 महीना का यूज़ हुआ है। सारा यहाँ पे प्राइस का डिटेल आपको देखने को मिलता है, जैसे कि सोफ़ा सेट 10,000 में ये दे रहे हैं, अरे वाह। किंग साइज बेड विथ मैट्रेस भी आपको 10,000 में मिल जा रहा है। डाइनिंग टेबल 8,000 में मिल जा रहा है। अलमीरा वुडन का है, 6,000 में मिल जा रहा है। एसी आप देखिएगा 1.5 टन का एसी है सैमसंग का, 10,000 में मिल जा रहा है। अभी के डेट में आप 1.5 टन की एसी खरीदने जाओगे तो मैक्सिमम 45 से 50,000 आपको देखने को मिलता है। एलईडी टीवी 10,000 में, फ्रिज है 8,000 में, वॉशिंग मशीन है वो भी 8,000 में, और टोटल आइटम ये लोग 70,000 में सेल कर रहे हैं। साथ ही इन्होंने अपना यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट नंबर दिया है और रीजन में लिखा है रीजन फॉर सेल अर्जेंट ट्रांसफर होम डिलीवरी इंडियन आर्मी एयरपोर्ट ऑल आइटम ओनली होम डिलीवरी अवेलेबल हेयर। यानी आप देखेंगे इनका टूटा फूटा इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, एग्जैक्ट इंग्लिश ये लिख नहीं पा रहे हैं और टूटा फूटा हुआ लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है। वेरी गुड कंडीशन परचेज फ्रॉम आर्मी कैंटीन, मतलब जैसे तैसे इन्होंने इंग्लिश का यूज़ किया। नोट में यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने लिखा है टेकन एडवांस 20% इफ़ एनी बडी इंटरेस्टेड फॉर सेल होम डिलीवरी माई आइटम एंड सेंड टेकन अमाउंट एडवांस दे। साथ में व्हाट्सअप नंबर भी इन्होंने नीचे शेयर कर दिया है और थैंक्स लिख करके ये पूरा पेज इन्होंने तैयार किया है। अब दोस्तों सबसे पहला बात यहाँ पे समझने वाली बात ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ओएलएक्स में इस प्रकार का कभी भी ऐड दिखेगा तो आपको उस ऐड के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, ना ही आपको उनके साथ चैट करना है और ना ही आपको उनको बोलना है कि मैं इसको लेना चाहता हूँ। क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे कोई भी बंदा अगर 6 महीना यूज़ करेगा इन सारे प्रोडक्ट को, जैसे कि एसी है, अलमीरा है, डाइनिंग टेबल है, फ्रिज है, तो इतने सस्ते दामों में कोई भी सेल नहीं करेगा, क्योंकि फ्री का तो नहीं उसने खरीदा है, तो इतने सस्ते दामों में तो बिल्कुल भी सेल नहीं करेगा। ये एक फ्रॉड करने की साजिश है। और साथ साथ दोस्तों यहाँ पे आप इनका लैंग्वेज देखोगे, लिखने का तरीका बहुत टूटा फूटा इंग्लिश में इन्होंने लिखा है, और साथ ही यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा है कि 20% एडवांस आपको पहले देना होगा, तब जाके हम आपके घर पे इसको होम डिलीवर करवा देंगे। तो आप खुद सोचो कि कोई भी बंदा अगर ओएलएक्स पे आपके साथ ऐसे 20% एडवांस पैसे मांगता है और आपको बोलता है कि हम आपके घर पे होम डिलीवरी करवा देंगे, तो कहां तक आपको ये सही लगता है कि
कि पैसे लेने के बाद वो आपको होम डिलीवर करवा देगा। लेकिन अब देखिए, ऐसे में कुछ लोग होते हैं जो इनके शिकार में आ जाते हैं, इनके चक्कर में आ जाते हैं और लालच के चक्कर में सिंपली वो इनको व्हाट्सअप करते हैं या कॉल करते हैं और वो सारे इमेज सारे फोटो आपको शेयर कर देंगे व्हाट्सअप पे और 20% आपको एडवांस बोलेंगे। यानी 70,000 का 20% आप खुद निकाल लो, 14,000 रुपया वो आपसे एडवांस ले लेंगे। और कुछ लोग दे भी देते हैं और बाद में जब उनको वो बोलते हैं या कॉल करते हैं तो उनका कॉल नहीं लगेगा, आपको कॉल स्विच ऑफ आएगा या बाद में आपके साथ इस प्रकार का कुछ फ्रॉड होगा। सामने वाला जो बंदा है आपका कॉल कभी पिक नहीं करेगा या कॉल कभी लगेगा ही नहीं, और लगेगा भी तो आपके कॉल को डिसकनेक्ट कर देगा। और आप अगर सपना सजाए बैठे हैं कि मैंने इतने सस्ते दाम में इतने सारे प्रोडक्ट को खरीद लिया है और कुछ दिन के बाद मेरा प्रोडक्ट घर पे आ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखो, इसने LED TV का, फ्रिज का, वॉशिंग मशीन का और सारे फोटो भी यहाँ पे डाल दिए हैं जो कि बिल्कुल नया है, और साथ में ये इमेज आपके साथ शेयर किया गया है। सो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जब भी आप OLX पर कोई भी सेकेंड हैंड प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो आपको सावधानियां बरतनी है। ऐसा नहीं कि आपको एडवांस पे कर देना है। सिंपली खरीदने के लिए आपको करना क्या है, चलिए मैं आपको स्टेप बता देता हूँ। अगर आप OLX पे कोई भी प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं तो सिंपली आप जाके प्रोडक्ट को सर्च करिए और जो भी प्रोडक्ट आपको समझ में आता है सिंपली आपको वहां पे देखना है कि जो प्रोडक्ट है वो कितना दिन चला हुआ है या कितना दिन नहीं चला हुआ है, उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है। अगर वहां पे नहीं लिखा है तो सिंपली आप उनके चैट सेक्शन में जाइए और उनसे पूछिए कि क्या ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। अगर वो आपको यस बोलेंगे, उसके बाद आपसे पूछना है ये जो प्रोडक्ट है उसका एज कितना हुआ है, आपने कितने दिन पहले खरीदा था और कितने प्राइस में खरीदा था। उसके बाद आप उसी प्रोडक्ट को ऑनलाइन जाके कंपेयर करिए कि ऑनलाइन नया में कितना दाम है और ये बंदा इतना दिन यूज़ करने के बाद कितना प्राइस रख रहा है। उसके हिसाब से अगर आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट आपको खरीदना चाहिए तो रेट में आप बार्गेनिंग कर सकते हैं और उनसे कॉल नंबर मांगिए और बातचीत करके और बार्गेनिंग वगैरह करिए और जाके सबसे पहले फिजिकली प्रोडक्ट को देखिए कि क्या वही प्रोडक्ट सच में एग्जैक्ट है जो आपको वहाँ पे फोटो दिखाया गया है या जिसके बारे में आपसे बातचीत हुई है। और प्रोडक्ट को देखने के बाद अगर आपको 110% लगता है प्रोडक्ट अच्छा है, मेरे को लेना चाहिए, तो हैंड टू हैंड उसके घर पे जाके या सामने से प्रोडक्ट को खरीद के और उनको पेमेंट करके। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ओरिजिनल बिल और बॉक्स वगैरह आपको लेना बहुत ज़रूरी है। बिल के बिना आप कोई भी प्रोडक्ट को मत खरीदेगा क्योंकि बाद में भी आपके साथ पुलिस वगैरह का केस हो सकता है या किसी भी प्रकार का फ्रॉड हो सकता है। तो ध्यान रखें, इसी प्रकार से दोस्तों आप OLX पर कोई भी सेकेंड हैंड फ़ोन को खरीदिएगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल पर आप नए हैं तो मेक श्योर नीचे आपको रेड कलर का बटन दिखेगा उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।